दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दिए। उन्होंने कहा कि टाटा का निधन भारतीय उद्योग के लिए एक बड़ा नुकसान है। अमित शाह ने रतन टाटा की विरासत को देश के लिए मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि टाटा भारतीय और वैश्विक उद्योग जगत के एक सम्मानित व्यक्तित्व थे। टाटा समूह का नेतृत्व करने में रतन टाटा का योगदान अद्वितीय रहा। मेरे मन में भी था लंबी बातचीत करेंगे, मगर जैसा आप सब जानते हैं कल श्री रतन टाटा का निधन हो गया और आज मुझे वहां मुंबई जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्माननीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सुचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन, इसका पूर्णतया पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना, और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का कार्य। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।